किसान भाइयों, मैं पिपलैड़ा में गौरव के यहाँ हूँ। ये इनका अपना निवास स्थान है, ये इनके अपने ट्रैक्टर हैं और ये खुद गौरव हैं। मौसम ख़राब होने के कारण ट्रॉली भरकर खड़ी करनी पड़ी। किसान भाइयों, हमारे जो किसान भाई हैं इनके पास में परम रूटावेटर है, जिसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी लूँगा। जैसा आपने ये लिया है, ये 7 फुट है ना, 7 फुट है ना, 7 फुट। तो जैसा आप लाइक कैसा काम कर रहा है? काम बढ़िया कर रहा है। इससे पहले कौन सा रखा आपने? इससे पहले तो जी कोई सब ना चलाया। अच्छा, पहली बार चलाया। हाँ। मतलब कोई कमजोरी नहीं दिखाई दी रूटावेटर में? ना, कोई कमजोरी नहीं, बढ़िया चल रहा है। जरा सस्ता है, 86,000 का, कोई दिक्कत नहीं? ना, कोई दिक्कत नहीं। किसान भाइयों, ये मात्र 86,000 रुपये का रूटावेटर है और ये वहाँ से गढ़ के निकट है, जो एजेंसी सिद्धू करके हैं उनके पास है ये। और यहाँ काफ़ी रूटावेटर आ चुके हैं, एक ये है परम का। अच्छा, इनके रंगों में फ़र्क क्यों है? कुछ बाकी चीज़ एक ही है, हैं दो ही कलर देवे। अच्छा अच्छा ब्लेड कितने हैं? 60 कितने हैं? 48 के भाइयों, ये 86,000 रुपये कीमत है एक की, हैं? ये भी 48 का है, 86,000 का है। और देखिए, बहुत मजबूत तरीके से बनाया गया है, ये भी 86,000 का है। इनके थोड़ा कलर चेंज है अलग अलग। कुछ कंपनियों ने तो हद कर दी, 1,00,000 से ऊपर कूद गए रेट, 7 फुटे के 1,25,000 तक पहुंच गए हैं। किसानों का शोषण हो रहा है। तो मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि थोड़ा रेट को मालूम करके लें और ट्राई भी लें, चला के देखें। ये यहाँ है, अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा अपना बताना अपने बारे में, कहाँ कोई देखना हो। पिपलैड़ा गांव में। क्या नाम आपका? गौरव। गौरव के यहाँ पिपलैड़ा गांव में आके डेमो कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे मेरठ में तो इनकी एजेंसी अभी नहीं है, ये गढ़ में है ना, गढ़ में किस जगह थी वो? हिरनपुरा चौकी। नाम क्या था उनका? ललित के यहाँ एजेंसी है, आप जरूर संपर्क करें। और इसे कौन से ट्रैक्टर पे चलाते हो? ये फार्म ट्रैक 45 है। देखो, बारिश पड़ रही है, सब भंडा भंडा हो रहा है। इस पे चलाते हैं रूटावेटर। तो कैसा काम करता है रूटावेटर पे? लोड तो नहीं मानता? नहीं, लोड नहीं मानता। इसका खर्चा क्या है डीजल का? सादा स्टेयरिंग है। जैसे बहुत से लोग कहें उनका फार्म ट्रैक बहुत तेल का अफवाह मचा रहे हैं सब, आप तो इसलिए चला रहे हो। लेकिन मैंने एक बात देखी, जहाँ महिंद्रा उठ जाना ट्रॉली ले गए, वहाँ ये गोली की तरह निकलता है, बिल्कुल नहीं उठता। नहीं, सच्चाई है। इतना दबंग ट्रैक्टर है, मेरे गांव में है, महिंद्रा वाले जो हैं वो अग्गे से उठ जाते हैं और फार्म ट्रैक जो है ना, पूरी 60 क्विंटल गांडा भरकर बाढ़ता चला हुआ धरती, उठता नहीं, बहुत दमदार ट्रैक्टर है। और रही बात तेल की, बाजे मेरे मित्र जो हैं कमेंट करते हैं, एक पाव के ऊपर हिसाब लगाते हैं, अरे तुम बनिए थोड़े ही हो किसान हो, हैं ड्राम भर के धर लो, पता नहीं चलता। हमने 44 लिया था, हम पैंट इतने गिरवाए, पेट्रोल पंप से तेल हमें ले लगा, बहुत तेल खा रहा। और हम 2 ड्राम भर के लाए, साढ़े ने पैर तेल नहीं खाया, वो 10,000 घंटे चलाया, 9,00,000 का डीजल फूका। अपने हाथ में ड्राम भर के रख लो और वो सूंड सा दो, टंकी भर के चलो और प्यार से चलाओ, प्यार से चलाओ। लोड पड़ तो ही तो जो है भुट्टो ले आते हैं। लोड और दौड़, किसी को ओवरटेक करना हो जब दी जा रेस, या फिर प्यार चलाओ। अगर कहीं अचानक कोई जरूरत पड़े घने लोड पे तो रेस दी जा, बाकी नहीं तो वही 1400-1500 का RPM पे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान भाइयों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करने की कोशिश करना। किसान भाइयों, मैं गौरव के मकान पे हूँ। ये देखिए, शाही ठाट हैं किसान के। ये इनकी अपनी गाड़ी है बलेरो। ये आपने नवी ली थी कुछ चली हुई? शादी में ली थी। शादी में तुम्हारी?
लोग तो मेले में छोटी कार तुमने खाली बड़ी ली देसी आदमी देसी गाड़ी लिया अच्छा अच्छा एक बात बताओ इसका एवरेज कितना आ रहा है इतना तो बहुत है कोई दिक्कत नहीं ना मॉडल है फिर एक बात अपने काम के लिए ज़्यादा चलती भी ना कितनी चल गई होगी 20,000 मुश्किल से कितनी चल गई होगी 40,000 चल लिया कुछ भी नहीं चली तो बेच कर कोई और लेने का मूड नहीं इरादा है बदलने का ना सोचेंगे भी तो घर में और धनु सामान उठ जाएंगे हाँ सही बात है भाई तो एक महाभारत छिड़ना है अगर गाड़ी बेचने का नाम ले दिया दोस्तों बहुत प्यारी गाड़ी है भाई वाह तो ये आयशा भी आपका ही है इसकी क्या जरूरत पड़ेगी अच्छा जैसे फार्म ट्रैक को चला के इस पे भी जी लग जाओ ना मील मील पे ले जाओ आप छोड़ दो हम कोई काम करते ही नहीं हाँ नहीं खैर देखो खर्चा तो ऐसा कुछ है ही नहीं गन्ने पे बहुत बढ़िया है गन्ने डालने के लिए तो कितने ट्रैक्टर हैं आपके पास कितने ट्रैक्टर हैं अपने 7 ट्रैक्टर हैं 7 एक तो वो हो गया एक दो आठ तो गिनने पड़ रहे जीवन एक ही है छोटा आओ भाइयों हम आपको मिलवाते हैं ये तो बहुत जंगी बना रखा होक्की वोक्की बांध गए महिंद्रा युवराज 215 बम्फर देखिए बड़े ट्रैक्टर की तरह का है बहुत बढ़िया है अच्छा वो लगा रखे थे इस पर डीजे वीजे अच्छा हमारे छतरी बहुत बढ़िया जी तो ये ऐसी लगा रखे या छतरी भी लगा दो इस पर या ऐसी रख दो शोका नहीं बहुत बढ़िया तो इससे क्या क्या काम करते हो ये कितना गिरे छोटे बोंड में मतलब घर से ले जाए मील भी बदलते हो कितने कुंटल ले जाए अच्छा हिच भी आपने बड़ा पक्का बनवा रखा तो थोड़ी झुकती होगी ट्रॉली इसकी अच्छा कौन सी वो इसकी ट्रॉली यही जो खड़ी थी इसमें हिचा लगा हुआ ऐसे घुमावदार सा तो ये कौन सा मॉडल है तो आयशा बढ़िया लगा यो बढ़िया लगा जो अच्छा जी अच्छा हाँ ज्यादा वजन कम है और जीप लगाया इसमें नाती मारनी पड़ती ना अच्छा सेल्फ स्टार्ट है सेल्फ स्टार्ट खर्चा तो सूंघता ही होगा तेल तो हाँ 1 लीटर में लोड पे करता है तो गन्ने ही डालते हो है हैरा वैरा कुछ नहीं अब ज़्यादा बड़ी हैरा तो इसे मार लेंगे ना ना बहुत बढ़िया जी देखो किसान को अगर किसान खेती कर रहा है तो सोंच तो रखने पड़ेंगे बिना सोंच किराए से काम नहीं चलता किसान भाई हो बहुत बड़े किसान हैं अच्छा कितनी जमीन बो रहे हो 350 बीघे जमीन 8 ट्रैक्टर हैं भाई को गिनने पड़े भूल गए थे गिनती देखो कितना गन्ना वो छोटा ट्रैक्टर ले जाएगा इसको ये सब इन्हीं की ट्रॉली भरी खड़ी हैं अलग अलग ट्रैक्टर हैं फार्म ट्रैक्टर देखो एक बात नहीं कई बार बड़ा किसान हो पैदावार अच्छी लेते गन्ना भी की पैदावार ही बहुत तकड़ी है आप देखिए कितना लंबा गन्ना है अच्छा कितना एवरेज आ रहा आपके यहाँ 120 कुंटल प्रति बीघा का एवरेज बता रहे हैं भाई मैं तो इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि इतनी ज़मीन में इतना अच्छा एवरेज निकालना हर आदमी के बस की है जी 17 फीट बिल्कुल कैसे ही कह रहे हो 17 फुट लंबा गन्ना है देखो दोस्तों गोंड भी काटनी पड़ रही है बाहर निकल गई थी ये देखिए देखिए किसान भाइयों गन्ना देखो लंबाई इसकी तो जमीन को ढेर टाइप होगी आपकी कैडी जमीन होगी ढेर टाइप हाँ पक्की में होता है गन्ना रेतली में ना होता है ऐसा तो ठेकेदार क्या रेट ले रहे थे यहाँ ठेकेदार जो है जी 3500 रुपये कुंटल मंदी भी लिखी हमारे यहाँ तो 40 मांग रहे हैं अच्छा फिर तो सही है तो किसान भाइयों आपको अच्छा लगा हो हमारी वीडियो ये देखिए कितनी ट्रॉली इनकी अपनी है
ठेकेदार भी कम से कम 10 आदमी होंगे? नहीं, 10 आदमी जी। 10 आदमी से ही काम चलता है। इधर इनके अपने पशु हैं, आज उधर ही बैठेंगे, और बैल भी हैं, बैलों से भी काम करना पड़ता है, क्योंकि गन्ने की जुताई जो है बढ़िया बैलों से ही होती है, ट्रैक्टर वैक्टर से तो दिक्कत ही पड़े है। ये इनके अपने बैल हैं। ये कौन सी वो है जी नस्ल? नस्ल कौन सी बैलों की है? नागौरी है कौन सी? हाँ, नागौरी है। मेले के ही हैं वैसे थे? मेले के हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ये देखिए एक ट्रैक्टर हो रहा है पोल्हे में खड़ा हुआ इनका अपना, ये तो अलग है। ये है मैसी छोटा, ये डी आई है सादा सादा ही है जी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार।